कश्मीरी पंडितों ने घर वापसी की शपथ ली, विस्थापित होने के 29 साल पूरे होने पर दिल्ली में प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों ने अपने लिए अलग बस्ती की मांग की, सरकार से अपने कर्तव्य पूरा करने की अपील की। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर, 18 दिन में 43 लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 1000 के पार, 43 में से 18 मौत सिर्फ जोधपुर में। दिल्ली के गोविंदपुर इलाकों में ट्रक ने दो बहनों को टक्कर मारी, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक, वारदात के बाद ड्राइवर फरार। दिल्ली के खयाला में दो अनाथ बच्चों की दिल्ली पुलिस ने की मदद, लोगों से चंदा लेकर खुलवाए बैंक अकाउंट, पड़ोसी ने मां बाप की ली थी जान। मुंबई में देश के सबसे बड़े पेट फेस्टिवल का आयोजन, कार्यक्रम में कुत्तों के लिए फैशन शो का भी आयोजन किया गया। मुंबई के मुसाफिरों को तीसरा राजधानी एक्सप्रेस मिली, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, मुंबई से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को तोहफा। मुंबई के पास ठाणे में अपहरणकर्ताओं के कब्जे से 10 साल के लड़के को छुड़ाया गया, पुलिस ने आरोपी दो भाइयों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नासिक में दो दिन में 4 किसानों ने खुदकुशी की, मालेगांव में प्याज के ढेर पर किसान ने जहर पीकर जान दी। यूपी के बाराबंकी में ई रिक्शा और कार की टक्कर हो गई, हादसे में कई लोग घायल हो गए। यूपी के संभल में बिजली विभाग की टीम और पुलिस पर हमला, बिजली चोरी रोकने के लिए मीटर बदलने गई थी टीम। यूपी के मथुरा में 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 6 मोबाइल फोन, 4 आधार कार्ड और नकद बरामद। एमपी के मुरैना में छात्रों को नकल कराई गई, छात्रों को नकल कराने का आरोप माफिया पर। भोपाल में गायों के लिए बनेगा देश का पहला शमशान, महापौर आलोक शर्मा ने कहा इसके लिए करोड़ का बजट भी रखा गया। प्रयागराज में निर्मल पंचायती अखाड़ा का नशे के खिलाफ अभियान, लोगों को ड्रग्स से दूर रहने की सलाह दी गई।